الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه। तीसवें पारे की सूरत तकवीर हमारे सामने है, मक्की सूरत है और इसमें 29 आयात हैं। कुरान मजीद में जिन सूरतों के अंदर क़यामत के दिन की बड़ी वाज़ेह मंजर कशी पेश की गई है, उनमें से एक ये सूरत तकवीर सूरत नंबर 82 और इससे अगली सूरत सूरतुल इन्फितार है। इन दोनों सूरतों में ये बयान किया गया कि जब क़यामत आएगी तो क्या हाल होगा, क्या आलम होगा। और हदीस शरीफ में आया है कि जो आदमी क़यामत को अपने सामने देखना चाहे तो वह इन सूरतों की, सूरत तकवीर की, सूरतुल इन्फितार की, सूरतुल इन्शिक़ाक की तिलावत करे, जो क़यामत के मंज़र को अपनी आँखों के सामने देखना चाहता है। इरशादे बारी ताला है, इज़ शम्सु कुव्विरत, जब सूरज बेनूर हो जाएगा, व इज़न नुजूम उनकदरत, जब सितारे टूट कर गिर जाएंगे और उनका नूर ज़ाइल हो जाएगा, व इज़ल जिबाल सुय्यिरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, लरस उठेंगे, ऐसे महसूस होगा के हवा में तैर रहे हैं, चल रहे हैं, वाइज़ल इशारु उत्तिलत, और जब हामिला ऊँटनियों से लोग बेपरवाह हो जाएंगे। ऊँट या ऊँटनी ये अरबों का एक इंतहाई कीमती असासा शुमार होती थी, यानी आजकल के ज़माने में भी अगरचे महंगी महंगी गाड़ियाँ और ख़ास तौर पर ट्रक वग़ैरह एक कीमती असासा समझे जाते हैं, लेकिन अरबों के हाँ एक ऊँट, एक ऊँटनी की हैसियत उससे भी ज़्यादा थी जो आजकल किसी गाड़ी या किसी ट्रक वग़ैरह की हैसियत होती है। क्योंकि ऊँट के बग़ैर बाज़ औक़ात ज़िंदगी नामुमकिन हो जाती थी, ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि पानी लाना है तो भी ऊँट पर, खाने पीने का सामान लाना है तो भी ऊँट पर, सवारी करनी है तो भी ऊँट पर, माल बर्दारी करनी है तो भी ऊँट पर। तो ऊँट उनके लिए इंतहाई कीमती चीज़ थी, इंतहाई कीमती, इन जितना भी कोई मालो मता होता था उनमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ऊँट था, सबसे अहम चीज़। और अगर ऊँटनी हामिला हो तो ये तो सोने पर सुहागा है, फिर तो उसका, उसकी निगहदाश्त का, उसकी हिफाजत का बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता था कि एक तो ऊँटनी और फिर उसके पेट में बच्चा, यानी दो ऊँट हैं, तो लोग उसका बड़ा ख्याल रखते थे, बड़ी हिफाजत करते थे। कुरान मजीद ने जो क़यामत का ये मंज़र बयान किया है ये बड़ा काबिल गौर है कि वाइदल इशारु उत्तिलत, कि जब ये हामिला ऊँटनियाँ, इनसे लोग बेनियाज हो जाएंगे, इन्हें भी छोड़ देंगे, यानी किसी को कोई परवाह नहीं होगी कि इस जानवर को कौन ले जाए, कौन चुरा ले, ये कहाँ भाग जाए, कहाँ खो जाए, कोई परवाह नहीं होगी। वाइदल वहूश हुशिरत, और जब जंगली जानवर जमा हो जाएंगे, जब कोई बहुत दहशत अंगेज़ हादसा पेश आता है तो सांप अपने डसने को भूल जाता है, बिच्छू अपने डंग को भूल जाता है, शेर शिकार को भूल जाता है, फिर कोई पता नहीं चलता
सभी इकट्ठे हैं, वहीं शेर भी है, वहीं सांप भी है, वहीं हिरन भी है, वहीं गाय भी है। यानी वो जो दहशत है उस हादसे और उस जलजले की, जो दहशत है वो हर एक को अपना आप भी भुला देगी और दूसरे को भी भुला देगी कि उसको शिकार करना था, उसको नुकसान पहुंचाना था, उस पर हमला करना था। वाइज़ल वुहूश हुशिरत का माना ये है कि जंगल के वहशी जानवर जो एक दूसरे से भी भागते हैं और इंसान के साए से भी भागते हैं, वो सब एक जगह पर जमा हो जाएंगे, शहरों में आ घुसेंगे और पालतू जानवरों के साथ मिल जाएंगे। वाइज़ल बिहार सुज्जिरत, और जब समंदरों में आग लगा दी जाएगी, समंदरों में आग लगा दी जाएगी, यानी समंदर का जो पानी है वो गर्म होकर धुआं और आग बन जाएगा, समंदर का पानी गर्म होकर धुआं और आग बन जाएगा। अब बाज़ दफ़ा जहन में ये सवाल पैदा होता है कि जी समंदर में आग कैसे लग सकती है, समंदर और आग वो तो सारा पानी ही पानी है, पानी में आग कैसे लगेगी। हालांकि साइंसदान इस बात पर हैरान होते हैं कि ये पानी में आग लगती क्यों नहीं है। हैरत की बात ये नहीं है कि पानी में आग क्यों नहीं लगती, हैरत की बात ये है कि पानी में आग क्यों नहीं लगती। पानी को तो जल जाना चाहिए, पानी में आग का लगना अजीब नहीं है, पानी में आग का ना लगना अजीब है। उसकी वजह यह है कि छोटे छोटे बच्चों को पता है कि पानी जिन दो गैसों से मिलकर बनता है उनमें से एक गैस है ऑक्सीजन और एक गैस है हाइड्रोजन। छोटे छोटे बच्चों को साइंस की छोटी छोटी किताबों में ये बात पढ़ा दी जाती है कि पानी जिन दो गैसों से मिलकर बनता है, एक ऑक्सीजन है और दूसरी हाइड्रोजन है। अब जो ऑक्सीजन गैस है वो आग भड़काने वाली, आग जलाने वाली गैस है, और जो हाइड्रोजन है वो तो है ही आग ही आग, हाइड्रोजन बम भी होते हैं, ख़तरनाक तरीन बम हैं। हाइड्रोजन गैस तो सारी आग ही आग है, वो तो है ही आग, और जो ऑक्सीजन गैस है वो भी आग जलाने वाली गैस है। तो जिन दो गैसों से मिलकर पानी बनता है वो दोनों ही आग जलाने और भड़काने वाली गैसें हैं। तो इस बात पे हैरान होना चाहिए कि पानी में आग क्यों नहीं लगती, ये हैरत की बात है। जो कुरान ने कहा कि सूरज समंदर में आग भड़काई जाएगी, ये तो हैरत की बात नहीं है। जब अल्लाह ताला उन गैसों के खवास को बदलेगा तो खुद ब खुद आग भड़क उठेगी। आग का ना लगना अजीब है, समंदर में आग का लगना अजीब नहीं है। वाइज़ल बिहार सुज्जिरत, ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि जब दरियाओं और समंदरों में आग भड़का दी जाएगी। वाइज़न नुफूस सुव्विजत, और जब मुख्तलिफ नुफूस एक दूसरे के साथ बांध दिए जाएंगे, यानी काफिर काफिर के साथ, मुस्लिम मुस्लिम के साथ, अच्छे आमाल वाला अच्छे आमाल वाले के साथ, बुरे आमाल वाला बुरे आमाल वाले के साथ जोड़ दिया जाएगा। और अगली दो आयात बड़ी काबिल गौर, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कि जब जिंदा दुर्गोर की गई बच्ची से पूछा जाएगा कि किस गुनाह में मारी गई। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, जब जिंदा दरगोर कर दी गई, जिंदा दफन कर दी गई बच्ची से पूछा जाएगा, बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, के किस गुनाह पर वो मारी गई, उसके बारे में पूछा जाएगा। ज़माने जाहिलियत में रिवाज था कि बेटी की पैदाइश को अच्छा नहीं समझते थे, बुरा समझते थे। उसको बुरा समझने की मुख्तलिफ वजूहात थी। एक वजह यह भी थी कि जी ये दिफा के काबिल नहीं है, इसकी तो हिफाजत करनी पड़ती है, हमें तो वो चाहिए कि जो हमारी हमारे कबीले की हिफाजत करे, ना कि वो कि जिसकी हिफाजत कबीले को करनी पड़े। और भी मुख्तलिफ वजूहात थी। तो वो लोग बच्ची की पैदाइश को बुरा समझते थे। अक्सर अरब मुआशरों में बच्ची को
जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, पैदा होते ही ज़मीन में गाड़ दिया जाता था कि अब पैदा हो ही गई है तो इसे जीने का हक नहीं होना चाहिए। कुरान मजीद बयान करता है कि बच्ची की पैदाइश पे ही ऐसे हो जाते थे कि वाइदा बुशराहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजुहु मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम, कि चेहरा स्याह हो जाता है और गुस्से से काले पड़ जाते हैं कि क्यों बेटी पैदा हुई, क्यों बेटी पैदा हुई। बेटी की पैदाइश को इतना बुरा और इतना मनहूस समझा जाता था। इस्लाम आया, इस्लाम जैसे मुआशरे के सारे तबकात के लिए इज्जत लाया, वक्कार लाया, अमन लाया, एहतराम लाया, तो अल्लाह ताला ने बेटियों को भी इज्जत और मर्तबा अता फरमाया। ऐसी बेशुमार मिसालें हमें मिलेंगी कुरान और सुन्नत में कि बेटी को अजीम मकाम दिलवाया गया, बेटी को इज्जत दिलवाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने दो या तीन बेटियों की परवरिश की, जिसके दो या तीन बेटियां हुईं, उसने उनकी तालीम और तरबियत की और उनकी परवरिश की, जब वो शादी के काबिल हो गई तो उनकी शादी कर दी, तो वो और मैं क़यामत के दिन ऐसे होंगे। ऐसे आपने दो उंगलियों को जोड़ के इशारा फरमाया कि वो और मैं क़यामत के दिन ऐसे जुड़े हुए होंगे जिस तरह हाथ की दो उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। बेटियों की फजीलत आपने बयान फरमाई और अल्लाह ताला की हिकमत, अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियों से नवाजा। बेटे भी हुए, दो या तीन बेटे हुए, लेकिन बहुत छोटी सी उम्र में इंतकाल फरमा गए। लेकिन आपके साहिबजादियाँ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ने आपको बेटियाँ अता फरमाई। अब नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अगर बेटियों की पैदाइश कोई बुरी चीज़ होती तो क्या अल्लाह अपने हबीब को बेटियों से नवाजता। लोगों ने तो आज कैसी कैसी बातें, ये भी सारा हिंदुआना तहजीब से मुतासर होने का नतीजा है कि जी बेटियों की पैदाइश को मनहूस समझा जाता है। जिस औरत के यहाँ ज़्यादा बेटियाँ हों तो कह देंगे जी कि ये मनहूस है, तोबा करनी चाहिए, कलिमा कुफर है, कलिमा कुफर है। बेटियों की पैदाइश को मनहूस समझना फिस्क है। और ये ज़ुबान से कहना कि बेटी मनहूस है, ये बेटी की पैदाइश मनहूस है, ये बेटियां पैदा करने वाली माँ मनहूस है, ये तो कुफर है। ज़रा गौर तो करें कि क्या क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो तौबा भी करनी चाहिए और बेटियों को मोहब्बत भी देनी चाहिए। बच्ची की तालीम और तरबियत भी उतनी ही ज़रूरी है जितने कि बच्चे की, बल्कि बच्चियों की तालीम ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चियों की तालीम ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अल्लाह वाले ने फरमाया कि एक बच्ची को तालीम देना एक ख़ानदान को तालीम देने के मुतरादिफ है। बाप अगर बहुत बड़ा अल्लामा भी हो तो फिर भी उसकी औलाद तब तक तालीम याफ्ता नहीं होगी जब तक उन बच्चों की माँ को तालीम की फ़िक्र ना हो। बच्चों की तालीम का ताल्लुक बाप से नहीं है। अल्फाज तो रट लेंगे, बाप फीसें भरेगा, स्कूल जाएंगे, मदरसे जाएंगे, लफ्ज तो रट लेंगे, लेकिन वो जो अंदर की तालीम है, वो जो तहजीब है, वो उन्हें एक पढ़ी लिखी माँ ही दे सकती है। तो इसलिए बच्चियों को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चियों की तालीम और तरबियत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बच्चे को पढ़ाया तो एक बच्चे को पढ़ाया, और एक बच्ची को पढ़ाया तो पूरी नस्ल को, पूरे ख़ानदान को आपने तालीम याफ्ता बना दिया, पूरे एक तबके को, पूरे एक मुआशरे को तालीम याफ्ता बनाया अगर बच्ची को पढ़ाया। तो इस हवाले से इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए और साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि वो क्या असबाब हैं जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में बच्ची की पैदाइश को बुरा समझा जाता है। उन असबाब पे भी गौर करना चाहिए। वो असबाब भी तभी पैदा हुए जब हम दीन से दूर हुए, सुन्नत से दूर हुए, तो फिर मसाइल पैदा हुए। तो ये भी क़यामत के दिन एक सवाल किया जाएगा बच्ची से कि किस गुनाह में, किस जुर्म में इसे कत्ल किया गया,
इन ज़ालिमों ने इस पर ये जुल्म क्यों किया। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझ कर इस पर अमल करने की तौफीक दे।